नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप नाइट में भी जो है सो दिन की तरह फ़ोटो ले सकते हैं अपने फ़ोन की मदद से, एकदम अंधेरे में भी दिन की तरह फ़ोटो ले सकते हैं। तो बेसिकली कैमरा पे तो नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली कितना अंधेरा है, कहने का मतलब मेरे सामने में कितना अंधेरा है पता नहीं चलेगा कैमरे पर, लेकिन एग्जैक्टली हम आपको बता सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है मेरे सामने में। कैमरा से दिखा देते हैं आपको, तो देख सकते हैं कुछ नहीं दिख रहा आपको, बस वो लाइट वहाँ पे थोड़ा सा लाइट दिख रहा है और नीचे में कोई लाइट नहीं है। तो अब हम एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, मान लीजिए यहीं पे, ठीक है, इधर ही ले लेते हैं, या छोड़िए यही ठीक है, ऊपर में थोड़ा लाइट भी है। तो यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है और एक्चुअली में भी बहुत अंधेरा है, मतलब यहाँ पर हम देख नहीं पा रहे हैं कुछ भी। तो वहाँ पे अगर एकदम दिन के जैसा उजाला चाहिए आपको, तो कैसे आखिर आप उजाला वहाँ पे पा सकते हैं दिन के तरह। तो देखिए अभी गाड़ी जा रहा है तो थोड़ा सा लाइट आएगा, तो थोड़ा सा लाइट पता चलेगा। देखिए गाड़ी का लाइट आया, देखिए मोटर बाइक है या तो बाइक का जो है सो रोशनी से आपको थोड़ा सा बड़ा अंदाज़ा लगा होगा कितना अंधेरा है। तो आपको रात में भी दिन की तरह फ़ोटो खींचना है तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको कोई भी स्मार्टफोन, उसमें एक एक्सपर्ट मोड होता है यानी कि प्रो मोड होता है। तो रियलमी का मेरा फ़ोन है Realme 3i, तो यहाँ पे एक्सपर्ट मोड है, तो एक्सपर्ट मोड खोल लिए। उसके बाद आपको करना है कि आप सभी में थोड़ा सा अलग होता है, देखिए ये फोकस है, ये देख सकते होंगे ये ब्लर हो गया, आप तो ये फोकस है बेसिकली, जैसे इस पर फोकस करते हैं तो ये जो है सो 98 पे आ जाता है, तो इसको 1 पे कर देना है, ये फोकस है बेसिकली, देखिएगा तो ये बेसिकली इसको इनफाइनाइट पे करना है 1 पे। और ये ईवी जो है सो ईवी क्या होता है, ईवी से हमको याद नहीं आ रहा है क्या होता है एक्चुअली में, भूल गए, रुको, एक शटर स्पीड होता है और एक होता है वाइड बैलेंस एक्सपोजर हो गया, अच्छा जो भी हो आपको हमको याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल, लेकिन इसको आपको पूरा 3+3 पे कर देना है और -3 पे नहीं, +3 पे। उसके बाद वाइड बैलेंस को आपको नॉर्मल रखना है, वाइड बैलेंस जो होता है बेसिकली टेम्परेचर डिसाइड करता है। देखिए 5300 केल्विन है, तो इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो ब्लू हो रहा है, वो देख रहे हैं ब्लू हो रहा है, और राइट साइड ले जाएंगे तो येलो हो रहा है। अभी गाड़ी फिर से आ रहा है तो वो येलो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको 5300 पे ही करके रखिएगा, क्योंकि 5300 पे रहेगा तो ये बेसिकली बैलेंस्ड होगा इसका टेम्परेचर। 5300 एक मैसेज आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट चेंज करना है एक्सपोज़र, ये देखिए ये जो है सेकंड करके जो है 15 सेकंड 16 सेकंड, ये बेसिकली एक्सपोज़र है कितने समय तक आपका सेंसर जो है सो खुला रहेगा। तो जो है सो इसको 16 सेकंड फुल 16 सेकंड है तो 16 सेकंड पे हम सेट करेंगे। और एक और बात होता है कि मतलब कैमरा में एपरेचर होता है, मेरा जो इस कैमरे का एपरेचर है ये 3MP 1.8 एपरेचर है, जनरली 2.0 होता है मोबाइल में, मोस्टली मोबाइल सब में, लेकिन मेरा 1.8 है तो ये अच्छी बात है। कम का मतलब एपरेचर में अच्छा होता है, ज़्यादा का मतलब एपरेचर कहने का मतलब कि आपका ओपनिंग जो है सो कैमरा का कितना खुला हुआ है, यही होता है बेसिकली एपरेचर। तो मेरा 1.8 है तो ये ज़्यादा खुला। उसके बाद इसको जो है सो देखिए 100 किए तो पूरा डिम मतलब डार्क हो गया, इसको भी आपको 3200 पे सेट करना है, इसको 16 सेकंड पे। और उसके बाद आपको शटर स्पीड मतलब जो है सो क्लिक का बटन आपको दबा देना है। देख सकते हैं पूरा अंधेरा है, अभी हम फोकस कर लेते हैं, ऑटो फोकस है, इस बाइक को जाने देते हैं, उसके बाद हम क्लिक करेंगे पिक्चर। तो अब हम क्लिक करते हैं बेसिकली पिक्चर, तो देखिए ये 16 सेकंड लगाएगा बेसिकली एक पिक्चर क्लिक करने में। और आपको बेसिकली हिलाना नहीं है अपने फ़ोन को, एकदम स्टिल रखना है, क्योंकि एक्सपोजर इसका जो है शटर जो है सो मतलब ओपन है अभी, अभी जो भी आप सामने में जा रहा है कैच कर रहा है, तो उसको देखिए। और देखिए पूरा हो गया, ये क्या हुआ, फंस गया शायद, पता नहीं क्यों फंस गया है, फिर से क्लिक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना साथ में, इसलिए फंस गया है, और देखते हैं काम करता है या नहीं, फिर से ट्राई कर रहे हैं। तो हो रहा है बेसिकली, हो रहा है,
तो देख सकते हैं, अरे ये कुछ ज़्यादा ही वाइट हो गया है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब फिर से क्लिक करते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही वाइट हो गया, मतलब कि थोड़ा सा कम वाइट होना चाहिए था। कहे ना कि रात में भी दिन की तरह फ़ोटो ले सकते हैं इस तरीके से, एकदम इतना वाइट कर दिया। देखिए आप कहिएगा ये हर मतलब फ़ोन में काम नहीं करेगा जिसमें वाइट बैलेंस, एक्सपोजर और ये सब जो सेटिंग रहता है प्रो मोड में, उसी फ़ोन में ये काम करता है। तो देखिए पूरा हो गया, तो देखिए प्रिटी क्लीन फोटो, क्लीन तो नहीं है लेकिन हाँ एटलीस्ट दिख रहा है कि अंधेरे में क्या है। और वो जो स्पॉट था जो बेसिकली कहीं कहीं थोड़ा सा दिख रहा था, वो बिल्कुल ही वाइट हो गया है। तो इससे आप रात में भी दिन की तरह फ़ोटो ले पाएंगे और बिना किसी मदद के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कितना अंधेरा है बेसिकली हम नीचे में यहाँ पे इस एरिया पे जो भी चीज़ है इस एरिया में, अभी तो बाइक आ रहा है, इस एरिया में जो भी चीज़ है वो हम बिल्कुल अपने आँख से भी नहीं देख पा रहे हैं। एक्चुअली हम अपने आप से यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा लाइट है तो हम अपने आँख से देख पा रहे हैं, ये लाइट को हम अपने आँख से देख पा रहे हैं, और यहाँ पे लाइट ऐसे करके है, यहाँ पे स्कैटर हुआ है, ये मेरे घर से जो है सो लाइट जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे करके लाइट स्कैटर है, वो हम देख पा रहे हैं इस एरिया में ऐसे और ऐसे। बाकी जो ये सब एरिया सब है इस समय बिल्कुल डार्क है, हम देख भी नहीं पा रहे कि नीचे में है क्या। तो बेसिकली ऐसे में हम एग्जैक्टली अपने आँख से बेहतर जो है सो फोटो ले सकते हैं और एक एक जो है सो चीज़ देख सकते हैं। तो ऐसे ही में आप जो है सो रात में भी दिन की तरह फ़ोटो ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट। जहाँ फिर से फ़ोटो क्लिक कर दिए, वो रिकॉर्डिंग बंद करना था तो हम फिर से क्लिक कर दिए।